نحمده ونصلي على رسوله الكريم مع بعض. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، ربنا فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي पारा नंबर 24 है, सूरह गाफिर या सूरह मोमिन, ये दोनों इसके नाम हैं। और इंशाल्लाह ताला मोमिन का जहां लफ्ज आएगा तब उसमें हम तफसीर पढ़ेंगे किसका नाम सूरह मोमिन क्यों है, और सूरह गाफिर जैसे हमें बिल्कुल शुरू में पढ़ा गाफिर का जो लफ्ज आया था कि अल्लाह सुब्हान ताला बड़े बख्शने वाले हैं और हमारे तमाम गुनाहों को और तौबा कबूल करने वाले हैं। तो आयत आयत नंबर 17, अल यौम, आज, तुझजा, तुझे बदला दिया जाएगा, कुल्लू, हर नफसिन, शख्स को, बीमा, साथ उसके, कसबत, कसब होता है कमाना, और ऐसा कमाना जिसमें आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट शामिल हो, उसने कमाया, ला, नहीं, जुल्मा, नहीं जुल्म किया जाएगा, अल यौम, आज, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, सरीउल हिसाब, सुरअत से है, जल्द है हिसाब लेने वाला। पीछे अल्लाह ताला का कहार, फितरत, अल्लाह ताला की खसलत बताई गई थी, अल्लाह ताला की यहाँ बताया जा रहा है जल्द लेने वाला, सरीउल हिसाब है। आयत नंबर 17 का पा मुहावरा, आज के दिन हर शख्स उसके अमाल का बदला दिया जाएगा, आज किसी के हक में बेइंसाफी नहीं होगी, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अब आप ये देखें, अल्लाह सुबहाना ताला फरमा रहे हैं कि आज के दिन हर शख्स उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। अब आपको समझ आती है, वो हमने पीछे भी अपने सूरह ज़ुमर भी क़यामत का पूरा दिन पोर्ट्रे किया और उसमें बताया कि हर इंसान आज जितना भी हम छुप कर कोई भी काम कर लेते हैं, लोगों से तो छुप सकते हैं पर अल्लाह से नहीं छुप सकते, क्योंकि अल्लाह की जो सीसी फुटेज है ना, वो हमारी जाहरी भी है जो हम कर रहे हैं और जो हम दिलों में जो सोच भी रहे हैं उसकी भी जाहरी फुटेज अल्लाह, सीसी फुटेज अल्लाह ताला के पास है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इतने आदिल हैं कि आज के दिन ये जो यौम तलाक यानी कि अल्लाह से मुलाकात का दिन, डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कयामत वाले दिन, हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा, बिमा कसबत, जो उसने कमाया होगा, जो उसने खुद अमाल किए होंगे। इसीलिए कहा जाता है ना, कुरान पढ़ा करें, कुरान पढ़ता जा और ऐसी अपनी मंजिलें अपने दर्जात की बुलंदी पे चढ़ता जा। हम क्या करते हैं, कोई फौत हो जाता है या आपने आपने कोई कुरान खत्म करवाना होता है, पढ़ाना होता है, तो आप मौलवी से बच्चे बुलवा लेते हैं, सॉरी मौलवी कह रही, मस्जिद से बच्चे बुलवा लेते हैं और कुरान पढ़ा लेते हैं और कहते हैं जी फलाना। अब जो आपने पढ़ा, वो जो आपने काम किया उसका फायदा आपको मिलेगा। कोई हमारे लिए दुआ कर सकता है अल्लाह की मेहरबानी के, अल्लाह उनके हक उनकी दुआएं हमारे हक में इसको कबूल फरमा रहे, लेकिन हर इंसान को अल्लाह ताला वो अता करेगी जो उसने खुद काम किया होगा। आज किसी के हक में बेइंसाफी नहीं होती, अल्लाह ताला इंतहाई आदल है, जरा बराबर जो है ना जुल्म नहीं होगा। अब जुल्म की कई सूरतें होती हैं, मसलन ये कि किसी ने जुल्म ना किया लेकिन उसे खामखा सजा दे दी जाए, ये जैसे आज की दुनिया में ऐसे होता है ना, आपने कोई काम नहीं किया होता लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं होते, एविडेंस नहीं होते, लेकिन लोग आपको किसी चीज का कसूरवार ठहरा देते हैं तो आपको सजा मिल जाती है। दूसरी कैटेगरी ये है कि जुर्म तो थोड़ा है मगर सजा ज्यादा दे दी जाए, ठीक है। तीसरी जुर्म की सूरत ये होती है कि आदमी मुस्तहिक तो अजर का था मगर उसे सजा दे दी गई, यानी कि उसने अच्छा काम किया था लेकिन लोगों ने इसको एक्नोलेज ही नहीं किया और उसको सजा दे दी गई। चौथा ये है कि जुर्म तो कोई ABCD कर रहा है मगर सजा XYZ को दी जा रही है, मतलब समझ आ रही है कि जुर्म एक किसी ने किया और इसकी सजा किसी और को मिल रही है। पांचवी जुल्म का केस ये है कि आदमी जितने अजर का मुस्तहिक था उसे कम दिया जाए, यानी कि एक बंदे ने एक ग्रेड काम किया था पर उसको रिजल्ट में उसको बी दिखाया जाए। छठी जुल्म की सूरत यह है कि आदमी सजा का मुस्तहिक हो मगर उसे सजा ही ना दी जाए, जैसे आज भी दुनिया में कई लोग छुप जाते हैं और मजलूम मुंह देखता रह जाता है। गर जुल्म की जितनी भी सूरतें हैं इनमें से किसी भी सूरत का जुल्म अल्लाह की अदालत में नहीं होगा, इंतहाई आदल है अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला की जो खूबसूरत यहाँ पे अल्लाह की सिफत बताई गई, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, फैसले में देर नहीं लगेगी, अल्लाह ताला को सारी मखलूक का हिसाब चुकाने और फैसला करने में देर नहीं लगेगी। आप कहेंगे कि जब से दुनिया पैदा हुई है और जब तक कयामत होगी इतने ज्यादा लोगों का हिसाब, और कहा जा रहा है कि 1:1
अल्लाह से हिसाब होगा, यानी कि 1 to 1, यानी कि हर बंदा अल्लाह के सामने पेश होगा और उसका अमाल नामा रखा जाएगा और उस हिसाब से पैसे होंगे। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि ये अगर देर होगी तो उसकी दो सूरतें होंगी, एक तो ये कि इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो, जैसे देर वैसे जनरल अल्लाह के यहाँ तो देर नहीं होगी, लेकिन जैसे यहाँ पे दो सूरतें दुनिया में आती हैं कि दुनिया की अदालतों में होती हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, कभी मुदी हाजिर नहीं होता, कभी मुदा अलै नहीं होता, कभी गवाह हाजिर होते हैं और बार बार नोटिसों के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं होते, और इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे करते करते सारा साल लग जाता। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आजकल ये जो कोर्ट के जो भी मामला हैं और जो लोग भी कोर्ट के मामला में फंसे हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियां करे, अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करे और हक के साथ फैसला करे, और जिस जिसका जो जो फैसला है अल्लाह ताला उसका हक अल्लाह ताला अता फरमाए। अल्लाह ताला जुल्म नहीं करने वाला, तो अल्लाह ताला दुनिया वालों तुम भी जुल्म ना करो। आज बच जाओगे, आज किसी की जमीन गजब कर लोगे तो क्या होगा, जब अल्लाह ताला उस जमीन जो गजब की है उसका तौक मल्टीप्लाई बाय 7 करके तुम्हारे गर्दनों में उसको लपेटा जाएगा। बहरहाल बात हो रही है सरीउल हिसाब की, कि अल्लाह का हिसाब लगने में देर नहीं लगेगी। देर यहीं पे होती है कि जब इंसाफ के तकाजे ना पूरे हो, ठीक है, और फिर अल्लाह की अदालत में ये बात ना होगी, वहां मदी मदा अलै गवाह सब मौजूद हैं और अल्लाह के इलम होंगे और जिसकी जरूरत होगी फौरन हाजिर किया जाएगा, पेश किया जाएगा। अच्छा, अब दूसरी वजह ये होती है कि दुनिया में काजी एक वक्त में एक ही मुकदमे की समाप्त करता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये मामला नहीं होगा। अल्लाह बयक वक्त हर एक को देखेगा, हर एक को सुनेगा, हर एक की दादरसी करेगा, हर एक को रिज़्क दे रहा है, वो बयक वक्त अपनी तमाम मखलूकात के मुकदमात की समाप्त भी कर सकता है और फैसले भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे सरीउल हिसाब अल्लाह ताला का बताया जा रहा है कि जल्द हिसाब देने वाला है। दुनिया में जो दो वजहों की वजह से हमारे फैसले डिले हो जाते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, या अदालत में एक टाइम पे एक फैसला हो रहा है, अगली की पेशी नेक्स्ट डे है, अल्लाह सुबहाना ताला के यहाँ ऐसा कोई केस नहीं होगा। जैसे हमने पूरी सूरह जुमर में पढ़ा था कि गवाहियां लगेंगी, वो जगह पेश की जाएगी, इंसान के अपने बॉडी ऑर्गन्स उसकी गवाही देंगे, पूरे अदल के साथ फैसला होगा और फौरी फैसला होगा, उसको लटकाया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ अल्लाह क्या है, सरीउल हिसाब है। नेक्स्ट है, वो अनज़िरहुम, और डराओ उनको, यौमल आज़िफ़ाती, अब देखिए एक और कयामत का नाम। अब जो जो अल्लाह ताला ने कयामत के नाम दिए हैं उसके साथ उनका इम्पैक्ट भी साथ साथ है, ठीक है जी, के यौमल आज़िफा कहते हैं करीब आने वाला, नजदीक आने वाला, जिसके आने का वक्त बहुत तंग हो, यहाँ मुराद कयामत है और इसका रूट वर्ड है हमजा ज़ और पे अज़ब। तो यौमल आज़िफा की करीब आने वाली है इजी, जब अल कलूबू कलूब दिल, लदई लदा करीब, लदा इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ वर्ड लगेगा लदा करीब, अल हनाजीरी हनाजिर, ये पहले भी वैसे आया लेकिन इसको भी अंडरलाइन कर लें, हनाजिर होता है हल्क पर, गलों पर, काजिमीना काजिम, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, गम से भरे हुए, माँ नहीं लिज़ालिमीना जालमों के लिए, मिन हमीम हमीम कोई दोस्त, वला और ना शफी सफारशी, युता युता अतात से है कि जिसकी अतात की जाए या जिसकी बात मानी जाए। अब आयत नंबर 18 को बा मुहावरा देखें, और इनको करीब आने वाले दिन से डराओ जबकि दिल गम से भर कर गलों तक आ रहे होंगे, जालिमों का कोई दोस्त नहीं होगा और ना कोई सिफारशी जिसकी बात कबूल की जाए। अब इस सीन को भी जहन में पिक्चराइज करें, करीब आने वाले दिन से मुराद कयामत का दिन है। कुरान में बार बार क़यामत का जिक्र किया गया है और आखिरी पारों में तो बहुत ज्यादा क़यामत का जिक्र है कि हमें आखिरत पर यकीन आ जाए, और इसका मकसद लोगों को ये समझाना है कि क़यामत को वो समझ के बेखौफ ना हो जाएं, इस पर ईमान ला के अपनी इसलाह करें। आज मेरे और आपके पास मोहलत है, इस दिन यानी कि उस क़यामत वाले दिन ना कोई ऐसा दोस्त मिलेगा कि आपको, जैसे होता है ना आज दुनिया में आपकी ब्यूरोक्रेट या कोई दोस्त, कोई सिफारशी कोई आ जाता है आपको, आपको उस आपके जो भी इवन आप परेशान होते हैं कि दोस्त मिलके गले मिलकर आपकी उस परेशानी को दूर कर लेता है, आपको तसल्ली दे देता है, या अगर आप उसको बड़े केस में करके ले लें,
आप एक बड़ी अदालत में पहुंच गए हैं, तो आपके पास सफारशी हैं, आपके पास झूठे गवाह हैं, तो आप अपने आप को छुड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है मुशरकीन को, कि ये मुशरकीन ऐसी हैं कि ये जिनको अल्लाह के साथ अपने साझेदारी में बना के शरीक कर रहे हैं, तो ये क्या समझते हैं कि वहां वो उनको छुड़ा सकेंगे? वो तो खुद अल्लाह के सामने बेबस होंगे, हेल्पलेस होंगे। अब यहाँ पे ये जो लफ्ज है आजिफा, अभी हमने यौम तलाक एक लफ्ज सीखा और एक आजिफा। आजिफा में वक्त की तंगी का मफहूम पाया जाता है, जैसे मतलब ना हर लफ्ज में एक उसका इम्पैक्ट है। हम कहते हैं कि जैसे गाड़ी या जहाज के रवाना होने में बहुत कम टाइम रह गया है, जल्दी करो, ठीक है जी। जैसे 4 बजे टेक ऑफ होना था तो हम 2 बजे पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, ऐसे ही है ना कि भाई हमारा जहाज ना मिस हो जाए। इसी तरह कयामत का दिन जो यकीनी तौर पर आने वाला है, इसे बस आया ही समझो, इसलिए जो कुछ सामान करना है जल्दी जल्दी कर लो। अल्लाह ताला आजिफा ये कह रहे हैं कि जल्दी करो। पूछा था ना किसी ने, सहाबी ने, कयामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा उससे सवाल करके पूछा था। बड़ा प्यारा, बड़ी हिकमत थी कि तुमने तैयारी कर ली। तो यौमल आजिफा, करीब आने वाला दिन आ गया है जब दिल गम से भर के गलों तक आ जाएंगे। आप पिक्चराइजेशन देखिए, जब आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंजाइटी लेवल में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो यूं लगता है कि आप जो है गलों तक बात आ रही है, गम जो आपको, यानी कि यहाँ तक गलों तक आप भर रहे हैं। और काजिमीन, कजम सांस की नाली को कहते हैं, कजम सका यानी के पानी से लबाव लब भर कर इसका मुंह बंद कर दिया जाए। काजिम, कजीम, मखजूम उस शख्स को कहते हैं जो गम और गुस्से से सांस की नाली तक भरा हो मगर इसे इसका इजहार ना करे और उसे दबा दिया जाए। यानी कि ये वो एक एंजाइटी लेवल की सिचुएशन जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आप गम से भरे होंगे बट आपको एक्सप्रेस करना, उसको आप उसको इजहार नहीं कर सकेंगे। यानी कि मुजरमों को अपनी दुनिया की जिंदगी की करतूतों पे इस कदर गम होगा जिसकी घबराहट की वजह से इनके कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। ये जो मुहावरा ना, कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, बट उस वक्त वो इस चीज को अपना दिल किसी को कह के हल्का भी नहीं कर सकेंगे। और किससे बंदा दिल कह के हल्का करता है, अपने किसी दोस्त से, ऐसी है ना। तो मा लिज़्ज़ालिमीन, तो फिर ऐसे जालमों का मिन हमीम कोई दोस्त नहीं होगा, कोई सफारशी नहीं होगा। अब एक्चुअली शफात के मुतालिक मुशरकों का जो उन्होंने गलत सलत अकीदे घड़े हुए थे, बिल्कुल बेकार है। वो ये कहते थे कि जी फलां शख्स, फलां हजरत का दामन पकड़ लें, उनसे बैत ले लें, फलां की बस बात मान लें तो वो हमारा बेड़ा पार कर देगा, वो हमारी जन्नत का जामिन है। वो ऐसी है ना कि अक्सर लोग कहते हैं जी हमारी बैत ले लें तो हम आपको जन्नत पार लगा देंगे, या बस आप बस मेरी बात मान लें। तो जिन हजरात को शफी समझ रहे हैं वो यौम तलाक में खुद किस हाल में होंगे। नेज ये भी देखा जाए कि इन्हें शफात की इजाजत भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उन्होंने दुनिया में बस अपने ऊपर एक सर्टिफाइड किया हुआ था कि हमें इजाजत है क्योंकि हमने बैत तुम लोगों ने मेरे से ली भी है, तो मैं शायद अल्लाह ताला का ज्यादा करीबी बंदा हूँ, और फिर ये कब लाजिम है कि अल्लाह ताला उनकी बात मान लेंगे। लिहाजा किसी की शफात पे इन्हासार करना बिल्कुल अबस है। यहाँ अल्लाह ताला ने बता दिया कि हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। पीछे लफ्ज लिखा गया ना, कसब, कसबत, जो उसने कमाया, जो उसने फिजिकली जो कोशिश दुनिया में की होगी उस ही का उसको जजा या सजा उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी, और उसमें जरा जुल्म नहीं किया जाएगा और ना ही जुल्म किया जाएगा और ना ही ताकीर होगी। फौरन फौरन डिसाइड होगा कि इसका क्या मामला किया जाए। आयत नंबर 19, या अलमू, वो जानता है, खाई ना था, खाई ना था, खाई ना उर्दू में भी खाइन, खयानत करने वाले को कहा जाता है। अल आयुनी, आयुनी एन आंखों की, वमा, और जो तुख्फी, खफी से है तो तू छुपाता है, सदूर, सीने में, बा मुहावरा देखते हैं, वो आंखों की खयानत को जानता है और जो बातें सीनों में पोशीदा है इनको भी। अब देखें कि आंखों की आप देखते हैं बहुत सी मूवमेंट्स होती हैं और जिसमें अक्सर मजमूम कायनातुल आयुन, यानी कि यहाँ पे आंखों की खयानत का जिक्र किया जा रहा है, मतलब ताना और तशनी, आंखें मारना, किसी का मजाक उड़ाना, फिर आंखों आंखों से बातें करना, दूसरों से आंखें बचा के गैर महरम औरतों को बुरी नजर से देखना, चोरी छुपे देखना। अल्लाह आंखों की इन सब इशारों को जानता है। अब अल्लाह ताला बड़े प्यार से, बड़े लॉजिक से बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ज्यादा जानते हैं, अलीम है, कबीर है,
वो इवन हमारी आंखों की हरकत, जिसमें कोई अल्फाज नहीं थे, उसमें कोई आवाज नहीं थी, और उसमें एक जो आंखों का इशारा है, जो आप किसी को आंखों का इशारा करते हैं ना कि आओ जाओ जल्दी यूं कर लो, ये यूं कर लो, तो अल्लाह ताला आपकी आंखों और खास तौर पे वो इशारे जो खयानत वाले हों, यानी कि बुरे कामों वाले, यानी कि आंखों के साथ आपने जो कुछ बुरा देखा या आपने आंखों से वो किया, अल्लाह ताला सब जानते हैं। अल्लाह ताला तो दिलों के भेद को भी जानते हैं, यानी कि अल्लाह आंखों के इन सब इशारों को भी जानते हैं, और दिलों में पैदा होने वाले जिन ख्यालात के नतीजे में आंखें ऐसे इशारे और हरकत करती हैं, इन ख्यालात तक से भी वाक। तो हमें बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं प्रिकॉशन लेनी चाहिए, अपनी जिंदगी एहतियात से गुजारे, हर चीज रिकॉर्डेड हो रही है, मेरी आंख की जुम्बिश क्या कहना चाह रही थी, मैं मेरे दिल में उसकी वजह से क्या ख्याल आया, अल्लाह ताला वो भी जानता है, या मेरे ख्याल की वजह से मेरी आंख की जुम्बिश जो हुई, अल्लाह ताला सब जानता है। यहाँ पे आप, हमारा रुकू खत्म होता है आयत नंबर 19 पे। जी चलिए जी, एक दो आयात और कर लेते हैं, और फिर जो है इसको हम वाइंड अप करेंगे। वल्लाहु, और अल्लाह, युक्जी कजा, फैसला फैसला करता है, बिल हक साथ हक के, वल्लजीना, और जिन लोगों को, यदउना, वो पुकारते हैं, मिन दूने ही, इसके अलावा, ला यकदूना, नहीं वो फैसला कर सकते, बिशई इन, कुछ भी, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला हुआ वो समीउल बसीर, सुनने वाला और देखने वाला है। सॉरी, यहाँ पे रुकू खत्म होता है, आयत नंबर 20 है। और अल्लाह सच्चाई के साथ हुक्म फरमाता है, और जिनको ये लोग पुकारते हैं वो कुछ भी हुक्म नहीं दे सकते, बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। यानी कि इंसाफ के साथ वही हस्ती हस्ती फैसला कर सकती, जिसकी वुसत इलम का ये आलम है, जिसे पीछे हमने आयत नंबर 19 में पढ़ा कि वो आंखों के इशारे और दिल के हाल भी जानता है, ख्यालात तक से वाकिफ है। तो अब अल्लाह के सिवा दूसरी हस्तियां जिनको लोग पुकारते हैं, खा वो जानदार हो या बेजान हो, उनके ऊपर तो खुद कई मुकदमात हैं, उनको तो खुद उनके ऊपर बड़ी पूछगछ है, वो खुद दूसरों का क्या फैसला करेंगे, हालांकि उनका तो खुद फैसला होने वाला है। अलावाजी, जब उन्हें ये इलम ही ना हो कि जिस शख्स के हक में वो फैसला कर बैठे हैं, उसके मामलात क्या थे, उसके करतूत क्या थे, तो वो क्या फैसला कर सके। क्योंकि ये जो अल्लाह के अलावा जो जिनके जो लोग शरीक बना लेते हैं, उन वो तो बसीर, अल्लाह ताला की जो खास यहाँ पे खसूसियात बताई गई है, अल्लाह ताला समी है, बसीर है, इस तक तो वो पहुंच ही नहीं सकते, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फिर आर्गुमेंट के साथ बता रहे हैं कि अल्लाह सच्चाई के साथ हुक्म फरमाता है, यानी कि अल्लाह ताला आदिल है, गवाहियों के साथ हर चीज, एक हर फैसला एक प्रॉपर अदल के साथ होगा। और जो लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं, लोगों को और जानदार या बेजान चीजों को अल्लाह की साझेदारी में डाल रहे हैं, वो कुछ भी हुक्म नहीं दे सकते, यानी कि उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है। और फिर आगे अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत बताएगी क्वालिटीज की, अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है, सुनने वाला। अब आप देखें, मैं बोल रही हूँ, अल्लाह सुन रहा है, आप सुन रहे हैं, अल्लाह वो भी जान रहा है, कितना कितना क्यों कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कितना दिलों में जज्ब हो रहा है, वो अल्लाह ताला सब जानता है। और कुछ लोग बोल नहीं भी रहे, अल्लाह ताला उनको भी सुन रहा है, कितनी प्यारी बात है। बसीर, अल्लाह ताला देख रहा है। और बयक वक्त, आप देखिए कि अगर मैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरी बात सुन लेंगे। अब जैसे रिकॉर्डिंग होती है तो हम कहते हैं ना कि इनका म्यूट करते हैं ताकि अच्छी तरह आवाज आए और इको बैक ना हो, किस तरह में होता है कि एक आवाज को सुने तो अच्छी तरह फुल कंसंट्रेशन से सुने, तो अल्लाह ताला ऐसा है कि बयक वक्त सबको सुन रहा है, बयक वक्त सबको देख रहा है, सुभान अल्लाह। तो ये आयत नंबर 20, हमारी एक रुकू खत्म हुआ, आयत नंबर 21 है। अवालम, हमजा के ऊपर जबर आ जाए तो क्या, लम नहीं, क्या नहीं, ये सीरू, ये सीरू उर्दू में भी सैर, सैर की, फिल अर्थ, जमीन में, फयंजरू, नजर, फिर वो देखेगा, बस वो देखते हैं, कैफा, कैसा, काना हुआ, आखिरी बात, उर्दू में भी आकबत, अंजाम, अल्लाजीना, उन लोगों का जो कानू थे, मिन कबलेहिम, इनसे पहले, कानू थे, हम वो, अशद्दा, बहुत ज्यादा, मिन हूं, उनसे, कुवतन, कुवत में, व आसारन, आसार, निशानात, फिल अर्ध, जमीन में, फ अखज़हुम, फिर अखज किया, उनको पकड़ लिया, अल्लाह,
अल्लाह ने भी जुनूबेहिम उनके गुनाहों के सबब वमा और नहीं काना था लहुम उनके लिए मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से मिम वाक वाक को अंडरलाइन करने बचाने वाला। बा महावरा देखते हैं आयत नंबर 21। क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देख लेते कि जो लोग उनसे पहले थे इनका अंजाम कैसा हुआ, वो इनसे जोर और जमीन में निशानात बनाने के लिहाज से कहीं बढ़कर थे। तो अल्लाह ने इनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया, इनको अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला ना था। अब अल्लाह ताला फिर बड़ी लॉजिक से हमें इबरत लेसन दे रहे हैं, हमें मॉरल्स दे रहे हैं। अभी भी सुधर जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तूने जमीन में सैर नहीं की, सैरो सहायत जो है ना, अगर आप गौर फिक्र के लिए करें तो वो भी इबादत हो जाती है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे कि तूने जमीन में सैर नहीं की और सैर के साथ साथ हिस्ट्री नहीं पढ़ी, देखा नहीं कि फकाइफा काना आकिबातुन्नज़ीना कानू मिन कबलिहिम, उनसे पहले लोगों का अंजाम क्या हुआ, कौमे आद का, कौमे समूद का, कौमे नूह का, तुमने देखा नहीं उनका अंजाम क्या हुआ, उन्होंने क्या नाफरमानी की थी और फिर किस तरह अल्लाह के हाथों पकड़े गए थे और फिर किस तरह अल्लाह के अजाब से दोचार हुए थे। और फिर अल्लाह ताला बता रहे कानू हुम आज शद्दा मिनहुम कुव्वतन, कि वो लोग ऐसे थे जो जमीन में यानी कि बड़ी कुव्वत वाले थे और उनके जमीन पे निशानात भी थे। ये जो कौमे आद और समूद की इनकी खास तौर पे इनकी जो खास इनकी क्या खसूसियत थी, कौन बताएगा इनकी क्या खास क्वालिटी थी? जी ये मैंने पेज भी चेंज कर लिया। उनकी क्या खसूसियत थी कि वो डील डॉल में बड़े स्ट्रॉन्ग थे, स्टर्डी थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे पहाड़ों को खोद खोद के घर बनाया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रही है कि ये जो पिछली कौमें थी तुमसे शानो शौकत में कुवत में बहुत सी चीजों में बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन थी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अल्लाह की नाफरमानी की अल्लाह ताला ने उनको एक वक्त दिया, मोहलत दी, उस पर भी ये लोग अपने आप पे तौबा पे नहीं आ सके, अपनी इस्लाह नहीं कर सके, तो फिर अल्लाह ताला की मोहलत का कानून उनके लिए खत्म हो गया और फिर अल्लाह ताला ने उनको अजाब से दोचार किया और उनके घर उनके महल उनके पहाड़ उनके अभी भी जैसे उनके निशानात मौजूद हैं। कहते हैं ये जो कौम आज ये उनके महल बने हुए हैं, ये पहाड़ों में इस तरह उनके घर बने हुए थे वो मौजूद है लेकिन इंसान गायब। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं कि जो नाफरमानी करेगा अल्लाह की पकड़ है और सरीउल हिसाब और फौरन पकड़ेगा। अल्लाह ताला अभी जो मेहरबानी कर रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं फौरन नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि ये मोहलत का कानून है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे बंदे शायद मेरे पास मुनीब पलट कर आए, मुझसे माफी मांगे और मैं इनको माफ फरमा दूं। अल्लाह से इसी आयत का वसीले से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम अपने अबाओ अजदाद को देखते हैं, आपको याद है आपके दादा जान पर दादा जान, आपको तो शायद उनके नाम भी नहीं याद होगा, किस तरह की पर्सनालिटीज थी, क्या स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आज उनके नामो निशान मौजूद नहीं है। वो तो एक तो यह है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह ताला ने एक तो हर जान की हर इंसान की एक शेल्फ लाइफ है, उसने इसने दुनिया में पूरी करनी है। लेकिन अगर हमने कौमे आद और समूद से अकर नहीं लेते तो टेक्सला मोहनजोदाड़ो को देखें, ये तो हमारे पाकिस्तान में ही है ना, उसमें आप जाते हैं और बड़े शौक से ऐसी जगहों की जाते हैं आप सियाहत करते हैं इबरत हासिल करा करें कि वहां पे जब लोगों ने उनकी जो आर्ट फैक्ट्स और वो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो वहां पे गए तो उन्होंने जब उनकी खुदाई की उन जगहों की तो उन्होंने कहा वाओ ये लोग तो बड़े लेवल से रह रहे थे, बड़े स्टेटस से रह रहे थे, इनके तो अमीर और गरीबों के घर भी डिस्टिंग्विश हो रहे थे क्योंकि अमीरों के घर जो थे वो स्टेयर्स वाले थे, कई मंजिला के थे, अटैच वॉशरूम से सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने और भी देखा ये टेक्सा मोहनजोदाड़ो में कि इनके बकायदा कोर्ट सिस्टम थे, बकायदा उन्होंने देखा कि उन्होंने हेयरिंग के लिए प्रॉपर जगह रखी हुई थी कि जहां मुल्जिम को खड़ा करते थे और यहाँ पे इनकी गवाहियां होती थी। बड़ा प्यारा उनका जो था एक फौज का सिस्टम था, डिफेंस का सिस्टम था, सब कुछ था, आर्ट बड़ी जबरदस्त करते थे, बड़ी अच्छी अच्छी उनकी पेंटिंग्स उनके सिक्के और बहुत सी चीजें उनकी मिली, लेकिन वो कॉम वो कल्चर गया किधर? आर्ट तो हमें सब कुछ मिल गया, आर्कियोलॉजी की वजह से हमें बहुत सी उनकी चीजें दरियाफ्त हो गई, लेकिन वो लोग क्या थे, उन्होंने क्या क्या ऐसी नाफरमानी की थी कि वो उस जगह से बिल्कुल ही गायब हो गए, क्या अजाब उनके ऊपर आया। तो ये वो बातें जो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोगों को इबरत हासिल क्यों नहीं करते जो तुमसे पहले लोग थे, क्या कह रहे हो? और इस पे मुझे सॉरी एक और बात याद आ जाती है कि इसी तरह हम अपने बच्चों को कहते हैं ना बच्चों नमाजें पढ़ लो, कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा,
बच्चों यूं कर लो, लेकिन एक डायलॉग है कि बच्चे अपने माँ बाप के आंसुओं से नहीं सीखते, बच्चे अपने आंसुओं से सीखते हैं। यकीन जाने ये मैंने कहीं जब नहीं सुना तो मैं नर्वस भी, मैंने कहा वाकई इट्स अ फैक्ट। हमें भी हमारे वालदैन बहुत सी चीजों से मना करते थे, हम बाज नहीं आते थे। बाय प्रैक्टिस जब हम इन चीजों से गुजरे तो हमने कहा हाँ आफरीन है, बिल्कुल हमारी अम्मी हमारे अब्बू डैडी बिल्कुल ठीक कहा करते। तो इसी तरह आज हम अपने बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, उनको इब्रत दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि जो ऐसे हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे भी नहीं समझते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी ये कौम जो मोबाइल ओरिएंटेड है, हर वक्त नेट में डूबी रहती है, इन्हें कोई होश नहीं। आज यकीन जाने मैं कहीं पढ़ा रही थी तो एक बच्चे ने मुझे बड़े फखरिया तौर पर बताया, कहता मिस आपको पता है मैंने 3 दिन बगैर खाना पिए और मैंने बगैर सोए, मैं एक्चुअली कोई लेक्चर दे रही थी कि नींद कितनी जरूरी है, तो उसने कहा कि मैंने रिकॉर्ड कायम किया कि मैंने 3 दिन ना कुछ खाया और ना मैं सोया। मैंने कहा बेटा आप क्या कर रहे थे? मतलब मिस मैं गेम खेल रहा था। इमेजिन करें कि मेरा दिल उस वक्त रोने को चाह रहा था, मैं कुछ भी नहीं बोली, मैं खामोश थी। ये हमारे बच्चों का हाल है कि वो इस वक्त मोबाइल में खोए हुए हैं, उन्हें नहीं पता नमाज का वक्त क्या है। माँ बाप आवाज देते हैं, आप देखते हैं कि इसीलिए आजकल नाफरमानियां ज्यादा है, वो सुनते नहीं क्योंकि वो मोबाइल के किसी रील या किसी गेम के हिस्से में खोए होते हैं। उनको सख्त डिस्टर्बेंस, हमारी आवाज उनको नागवार लग रही होती है कि क्यों माँ ने बुलाया, मेरी गेम डिस्टर्ब कर दी। तो दिस इज व्हाट इज इट। तो वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ये तो हमें इस आयत में तो बताया गया कि हम अपनी पिछली गुज़िश्ता कौमों से सबक सीखें। हम कहते हैं अल्लाह ताला हमारे बच्चों को आज सबक सिखा दे, हमें हदायत दे दे, हमारे बच्चों को हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला हदायत दे दे। अल्लाह ताला हम सबको बा ईमान रख, अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारा सारे सब साहिब ईमान अल्लाह ताला उनको सबको जन्नत में फ़िरदौस में जा, आमीन सुम्मा। बहरहाल एक और चीज रह गई थी कि ये इनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया गया और इनको अल्लाह के अलावा कोई और बचाने वाला नहीं। अल्लाह ताला हमें भी सिर्फ आप ही बचाने वाले हैं, अल्लाह ताला हमें बचा ले, हमें हमारी औलादों को हमारी आने वाली नस्लों को महफूज कर ले इस मोबाइल के, इस शैतान के, इस आ, आ, तमाम जो कुफर के और जुल्म के अंधेरे, कुछ शिर्क के अंधेरे, इन सब से अल्लाह ताला हम सबको सेव कर ले। अल्लाह ताला तो हाफिज है हमारा, हफीज है हम सबकी निगरानी है, हमारा निगेबान है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज कर ले तमाम गुनाहों से, तमाम आजमाइशों से, तमाम जो कुदरती आफात भी आ रहे हैं। इस वक्त प्रडिक्शन है कि बारिशें बहुत शदीद होनी है, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला बारिश हो, अल्लाह ताला रहमत की हो, अल्लाह ताला उसको हमारे लिए रहमत बनाइएगा, भाई से अजाब ना बनाइएगा। आमीन सुमा। वालेकुम।